हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे घर की कुछ तस्वीरें, हमारे पालतू जानवर की कुछ तस्वीरें। आई होप आपको ये सब पसंद आएगा। ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये तभी मुमकिन हो सकता है अगर आप मेरा सहयोग दें, मेरे वीडियो पर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें, लाइक भी करें। आप लोगों के सहयोग से ही मैं बेहतर काम करने की कोशिश कर सकता हूं। आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें ताकि भविष्य में हमें बेहतर काम करने में आसानी हो। अभी हम पहुंच गए हैं दुकान, तो कुछ इस तरह का नजारा दिखता है दुकान से हमारे घर का, हमारे गांव का। ये रहा हमारा घर। हम यहां से थोड़ी सी राशन डालेंगे और निकल जाएंगे। अभी हम पहुंच गए हैं, अब हम डीजे लोड करेंगे। ये रहा सारा सामान, हमने यहां से लेके जाना है। अब हम चल पड़े हैं घर। हमने सामान छोड़ दिया है।
अभी हमारे लाला जी हमारी गाड़ी मोड़ के लाएंगे। हमारे लाला जी है, तो अब हम पहुंच गए हैं घर। ये हमारे दादू का घर, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। ये मेरा घर कुछ इस तरह से। पहाड़ों में हम कुछ इस तरह से घर बनाते हैं। ये है मेरा बेटा प्रियांशु, जिसको हम घर में अंशु कहकर बुलाते हैं। और दिख रहे होंगे आपको छोटी मम्मी छोटे पापा, ज्यादातर इन्हीं के पास रहता है ये। ये मूर्तियां मैंने जबरदस्ती लगवाई थी, इसमें मना कर रहे थे कि इससे गेट का वेट बढ़ जाएगा, फिर भी मैंने जबरदस्ती लगवाई है। तीन गेट लगे हैं, तीनों में लगवाई है। तो कुछ इस तरह का है मेरे घर का व्यू जो आप देख पा रहे हैं। ये है दूसरा गेट मेरे घर का, तीसरा गेट आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ये रास्ते वाली साइड घर की कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से, तरह से है। ये है घर की गैलरी कुछ इस तरह से। ये इस तरह के चूल्हे होते हैं हमारे यहाँ लकड़ी के, इस साइड से इसमें आग लगाई जाती है, तो बर्तन रखा जाता है। ये है सदाबहार टमाटर जो कि 12 महीने लगते हैं इस तरह। ये है हमारा बकरा, हमने पाल के रखा है। छोटी सी बच्ची दिख रही होगी आपको जो कि बहुत प्यारी है। देखिए हमारा बकरा,
देखिए, दो दो गाय रखी है हमने। ये वाली गाय सुई है, अभी कुछ ही दिन हुए इसको सुए। ये छोटी सी बच्ची हुई है, कि बहुत प्यारी है देखने में। तो कुछ इस तरह से था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपकी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमें बहुत मोटिवेट करती है। आने वाले टाइम में हम और अच्छे से काम करें।